हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टोरंटो डायरीज। अगर आपने कनाडा पीआर के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल रखी है या आप नियर फ्यूचर में डालने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईआरसीसी ने एनओसी कोड, जो कि नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल बना रखा है तो क्या आपको अपनी प्रोफाइल में चेंजेस करना है, और इसमें आपके कुछ नए 16 कोड्स भी ऐड हुए हैं और 3 कोड्स कुछ रिमूव हुए हैं। सो आईआरसीसी ने जुलाई 2022 में ये अनाउंस किया था कि वो एनओसी कोड, जो कि नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन होता है, वो चेंज करने वाला है। तो पहले जो हमारा चलता था वो था एनओसी कोड 2016, और अब जो चेंज हो गया है वो टीयर बेस्ड सिस्टम में चेंज हो गया है, जो है ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हो गया है आपका एनओसी क्लासिफिकेशन 2021, और जो आपके कोड्स जो पहले आपके ओ ए बी सी डी होते थे पहले, वो आपके चेंज होकर हो गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये चीज़ आपकी November 16, 2022 से इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। सो अगर आपने पीआर पूल में अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है तो ये चेंजेस आपके लिए करने बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप नेक्स्ट ड्रॉ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो पहले हमारे पास एनओसी कोड 2016 होता था, जिसमें जो हमारी क्लासिफिकेशन थी वो थी ओ ए बी सी एंड डी। सो जो ओ क्लासिफिकेशन थी उसमें आपकी मैनेजमेंट डिग्रीज आती थी, जो आपकी ए क्लासिफिकेशन थी उसमें आपकी प्रोफेशनल जॉब्स आती थी, जो आपकी बी क्लासिफिकेशन थी उसमें मैक्सिमम लोग जो अप्लाई करते थे पीआर के लिए तो उसमें आपके टेक्निकल जॉब्स और स्किल ट्रेड आता था, और उसके अलावा हमारे पास सी एंड डी आते थे, जिसमें आपके इंटरमीडिएट जॉब्स, सेमी स्किल्ड वर्कर और लेबर जॉब्स आती थी। सो अब जो आप आईआरसीसी ने चेंज किया है, वो जो ओ क्लासिफिकेशन है वो अब जीरो हो गया है, जिसमें अभी भी मैनेजमेंट जॉब्स आता है। जो ए क्लासिफिकेशन है जिसमें प्रोफेशनल जॉब्स था, वो अब वन क्लासिफिकेशन हो गया है, जिसमें आपके आईटी मैनेजर्स, अगर आप मैनेजर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो सारी प्रोफाइल आती है। और जो आपका बी क्लासिफिकेशन था वो ब्रेक हो गया है दो पार्ट्स में, 2 और 3 में। तो जो आपके इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस थे वो 2 में आ गए हैं, और जो आपके असिस्टेंट्स और टेक असिस्टेंट्स थे वो आपके 3 में आ गए हैं। और इसी में ही आपके कुछ 16 न्यू प्रोफाइल्स भी ऐड हुए हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका 4 और 5 आता है, जिसमें आपके सेमी स्केल स्किल्ड और ट्रेड्स लेबर आता है। सो अगर आपकी एप्लीकेशन 0, 1, 2, 3 में आती है, या आपकी पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंगली ओ ए बी में आती है, इन दैट केस आप फेडरल स्किल्ड वर्कर में या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई करते हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन 4 या 5 में आती है, जो कि सेमी स्किल्ड या ट्रेड्स वर्कर या लेबर वर्कर है, तो आप फेडरल स्किल्ड ट्रेड वर्कर में अप्लाई करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ITA ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं या आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू इनवाइट आ चुका है, तो आपको कोई चेंज इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको ITA नहीं आया है और आपकी अभी एप्लीकेशन पूल में है, आप वेट कर रहे हैं ITA रिसीव करने का, या आप नई एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये चेंजेस अपनी प्रोफाइल में करने पड़ेंगे। तो गाइज़, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, सो डू नॉट हेजिटेट, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, और मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको आंसर करने की। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, कि ये चेंजेस कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट हुए। सो अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री में अपनी एप्लीकेशन डाल रखी है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में डाल रखी है, या फेडरल स्किल्ड वर्कर या फेडरल स्किल्ड ट्रेड वर्कर में आपकी एप्लीकेशन है, प्रोविंशियल नॉमिनेशंस में आपकी एप्लीकेशन है, तो इन सब चीज़ों में अगर आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो आपको ये चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में अपनी एप्लीकेशन डाल रखी है, या केयर गिवर प्रोग्राम के अंतर्गत आप आते हैं, एग्री फूड पायलट प्रोग्राम में आप आते हैं, या आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में आते हैं, या आप टेम्प्रेरी फॉरन वर्कर प्रोग्राम में आते हैं, सो मोर ओवर जितने भी आपके कैनेडा में इमिग्रेट करने के या पीआर लेने के तरीके हैं, वो सारे इसमें आपके इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये चेंजेस आपको अपनी प्रोफाइल पे करना है। सो अब हम देखेंगे कि अगर आपका जो ओ ए बी कोड था वो अब चेंज होकर क्या हो गया है। सो पहले हमारे पास 4 डिजिट का कोड था, और अब जो चेंज हो गया है ये 5 डिजिट का हो गया। सो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ और इससे आपको दिखाता हूँ। अब हम सिस्टम पे लॉगिन करते हैं। सो अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की एनओसी की वेबसाइट पर हूँ, जो है noc.esdc.gc.ca, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो है एनओसी 2016 सेलेक्टेड है। तो जैसे मेरी प्रोफाइल क्लाउड आर्किटेक्ट की है, तो अगर मैं वो सर्च करता हूँ यहाँ पर, लेट्स से, सो जो मेरा एनओसी कोड जो पुराना था, जो आईटी मैनेजर का आता है 2172, तो मेरा जो था वो 2173 था,
बट अगर मैं न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली चेक करता हूँ आपका, तो हमारा जो NOC कोड 2021 है, तो उसमें हमारा जो आता है क्लाउड आर्किटेक्ट, तो मैं इसको सर्च करता हूँ, सो देन ये अब ये दो में आ गया है, तो ये टीयर बेस्ड सिस्टम में जीरो में और वन में दोनों में है. सो ये 20012 भी है और ये 21231 है. सो अगर मैं एज अ इंजीनियर काम कर रहा हूँ, इन दैट केस, जैसे अगर मेरी प्रोफाइल इंजीनियर है, मैं क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ और इंजीनियर हूँ, इन दैट केस मेरी प्रोफाइल जो आएगी वो 21231 में आएगी, विच इज़ इक्वल टू 1. और अगर जो मेरी प्रोफाइल है वो 20012 में आती है, जो कि मैनेजर के लिए होता है, क्लाउड आर्किटेक्ट मैनेजर, और अगर आप एक डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं, आईटी टीम लीड कर रहे हैं, इन दैट केस जो मेरी प्रोफाइल आएगी वो टीयर जीरो में आएगी. सो इस तरीके से आपको IRCC की वेबसाइट पे जाना है और आपको अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड सर्च करना है. अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से नए NOC कोड्स ऐड हुए हैं. सो जो सबसे पहला NOC कोड ऐड हुआ है वो है पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर का, दूसरा जो है वो है डेंटल असिस्टेंट्स का, फिर है हमारे पास नर्स एड्स का, फिर हमारे पास फार्मेसी टेक्नीशियंस एंड असिस्टेंट्स का, फिर है हमारे पास एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, शेरिफ्स एंड बेलिफ्स, करेक्शनल सर्विस ऑफिसर्स, लॉ एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी ऑफिसर, एस्थीशियंस जो आपके ब्यूटी पार्लर ओनर्स हो गए या जो ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला स्टाफ हो गया वो आ गया, फिर आपका रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर, पेस्ट कंट्रोलर्स, अदर रिपेयर एंड सर्विसेज, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर. सो कैनेडा में ट्रक ड्राइवर्स की कमी भी है और बहुत ज़्यादा लोग एज अ ट्रक ड्राइवर काम कर रहे हैं. सो अगर आप इसमें आते हैं तो अब ये आपका स्किल्ड वर्कर में आ चुका है, तो आपका जो NOC कोड आएगा, जो टीयर सिस्टम में आएगा, वो आपका NOC कोड 3 आएगा. उसके बाद हमारा आता है बस ड्राइवर, सबवे ऑपरेटर्स, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, एयरक्राफ्ट असेंबलर्स, एंड ये हमारे जो नए 16 NOC कोड ऐड हुए हैं वो है. और जो 3 NOC कोड इन्होंने रिमूव किए हैं वो है अदर परफॉर्मर्स, प्रोग्राम लीडर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स, और टेलर्स एंड ड्रेस मेकर्स. सो अगर आपका इस कैटेगरी में आता है तो आप FSW या CEC के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, वो है FSTW विच इज़ लाइक ट्रेड वर्कर. तो अब हम बात करेंगे कि आपको ये चेंजेस करने कैसे हैं. तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में लॉग इन करते हैं, जहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट किया था, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन पर क्लिक करिए और उस एप्लीकेशन में आप अपडेट इन्फॉर्मेशन में जाइए, और उसके अपडेट इन्फॉर्मेशन में आप वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में जाइए, और वहाँ पर आप हर एक वर्क एक्सपीरियंस का पहले NOC कोड चेक करिए, और फिर जो आपका 5-digit का नया NOC कोड आया है टीयर बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली, वो NOC कोड आप डाल दीजिए. तो इस तरीके से आपको अपने चेंजेस करने हैं, तो ये चेंजेस आप जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करिए. अगर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू फाइल करी है, तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए कि वो आपके लिए ये चेंजेस करेगा, और अगर आपने खुद फाइल करी है तो आप ये देखिए कि आप उसको करें, वरना आप नेक्स्ट रॉ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग टोरंटो डे.